हेलो गाइस, जैसे हम फैंस को इन्फिनिटी वॉर मूवी से रिलेटेड पता था कि इसमें थैनोस आएगा, सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करेगा और फिर अपने आधे यूनिवर्स को खत्म करने के मिशन को कंप्लीट करेगा, तो वैसे ही अब एवेंजर्स 4 के प्लॉट लीक और लीक फुटेज के बाद एवेंजर्स 4 के स्टोरी पॉइंट से रिलेटेड कुछ हद तक इमेज क्लियर हो गई है, जिससे इतना तो आइडिया हो गया है कि एवेंजर्स 4 मूवी एवेंजर्स के किस मिशन पर बेस होगी। इसलिए गाइस, आज हम इस वीडियो में एवेंजर्स 4 मूवी में एवेंजर्स के मिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि एवेंजर्स 4 मूवी में क्या हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम फैंस को इतना तो पता है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में जो कुछ भी हुआ उसको फिक्स करने के लिए एवेंजर्स कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, पर उनका मिशन क्या होगा और वो कैसे सब कुछ फिक्स करेंगे, इसका कुछ हद तक आइडिया हमें तब हुआ जब ऑनलाइन एवेंजर्स 4 का प्लॉट लीक और एवेंजर्स 4 के साइनोप्सिस रिवील हुए और अब तो सिनेरियो में दिखाई गई एवेंजर्स 4 की फुटेज का डिस्क्रिप्शन भी ऑनलाइन रिवील हो चुका है, जो कुल मिलाकर एवेंजर्स 4 में एवेंजर्स के मिशन को टीज कर रहा है। तो शुरू से सब बातों को समझने के लिए इन लीक्स और रिवील पर अलग अलग नज़र डालते हैं। एवेंजर्स 4 प्लॉट लीक। वैसे गाइस, एवेंजर्स 4 का प्लॉट लीक कहीं से भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ था, बट इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को टीज किया गया था जिनके एवेंजर्स 4 में होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। पहला तो इसमें बताया गया था कि एवेंजर्स 4 में टाइम और मल्टीवर्स ट्रैवल के लिए एंटमैन की हेल्प ली जाएगी, जिसमें एंटमैन, टोनी स्टार्क और अदर एवेंजर्स साथ मिलकर मल्टीवर्स में जाएंगे, जहां उनका मिशन सारे इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करके इन्फिनिटी गॉन्टलेट को वील्ड करना होगा। वहीं इसके लीक प्लॉट में प्रोफेसर हल्क को भी टीज किया गया था, जो पहले तो फेक लग रहा था, लेकिन हाल ही में आई एवेंजर्स 4 की कॉन्सेप्ट आर्ट में ये पॉइंट भी कुछ हद तक कन्फर्म हो चुका है। एवेंजर्स 4 प्लॉट साइनोप्सिस। तो लाइसन ग्लोबल मैगजीन, जिसने पिछले ईयर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का प्लॉट साइनोप्सिस रिवील किया था, वहीं इस बार भी एवेंजर्स 4 का प्लॉट साइनोप्सिस इसी मैगजीन में रिवील हुआ है। मेनली इस प्लॉट साइनोप्सिस में बताया गया है कि हमारे सुपर हीरोज समझ पाएंगे कि ये रियलिटी कितनी नाजुक है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए सेक्रीफाइसेस की नीड होगी, जिसमें रियलिटी का नाजुक होना कुछ हद तक मल्टीवर्स के होने को टीज कर रहा है, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्स की डिफरेंट रियलिटीज होंगी, पर इसे बनाए रखने के लिए सेक्रीफाइसेस की नीड होगी, यानी इसमें किसी सुपर हीरो को तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। एवेंजर्स 4 फुटेज डिस्क्रिप्शन। एवेंजर्स 4 प्लॉट लीक और साइनोप्सिस के बाद मार्वल स्टूडियोज की तरफ से सीनियर ऑफ इवेंट में एक फुटेज रिवील की गई, जो ऑनलाइन तो कहीं से भी लीक नहीं हो पाई, फिर भी एक रेडिट यूजर ने इस फुटेज का डिस्क्रिप्शन ऑनलाइन डाल दिया। इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग एवेंजर्स 4 की इस फुटेज में एंटमैन टोनी स्टार्क को एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा होता है, जिसकी हेल्प से वो अलग अलग मल्टीवर्स रियलिटीज में जा सकते हैं और सारे इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट कर सकते हैं। अब इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ये तो कंफर्म हो गया है कि एंटमैन और टोनी स्टार्क मल्टीपल रियलिटीज़ में जाकर इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करेंगे, जिससे इस मूवी का मेन प्लॉट सारे इन्फिनिटी स्टोन को मल्टीवर्स से कलेक्ट करके थैनोस को डिफीट करना होगा। यानी कि गाइस, जिस तरह से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में थैनोस का मिशन सारे इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करने का था, वहीं अब एवेंजर्स 4 मूवी में एवेंजर्स का मिशन होगा सारे इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करने का, जिसके लिए वो सब मल्टीवर्स की डिफरेंट रियलिटीज में विजिट करेंगे। ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी मोस्ट प्रोबेबली इसी के अकॉर्डिंग होगी, जिसमें हमें बहुत से शॉकिंग मूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। यही नहीं, इस लीक प्लॉट और फुटेज के अलावा एमसीयू में वास्प का रोल प्ले करने वाली एवेंजेलिना लिली भी इसको पहले से टीज कर चुकी हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एवेंजर्स 4 मूवी लॉस्ट के सीजन 4 की तरह होगी, जिसमें डिफरेंट रियलिटीज और टाइम ट्रेवल को दिखाया गया था, लेकिन इस सब का सेटअप एंटमैन एंड द वास्प मूवी में ही होगा। यानी कि एंटमैन एंड द वास्प मूवी में जो कुछ भी होगा वो ये शो करेगा कि एवेंजर्स 4 में क्या हो सकता है, पर कैसे एंटमैन एंड द वास्प मूवी एवेंजर्स 4 का सेटअप करेगी, इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम फैंस को ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, एवेंजर्स 4 मूवी में हम सब फैंस को वो सब मिलने वाला है जो हमें किसी भी सुपर हीरो मूवी में नहीं मिला। बस अब वेट तो है इस मूवी के ऑफिशियल टाइटल का, जो कुछ हद तक एवेंजर्स 4 की स्टोरी या प्लॉट को टीच तो करेगा ही। अब गाइस, आपको क्या लगता है कि मल्टीवर्स ट्रैवल में कौन सा सुपर हीरो सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो और देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम मार्वल और डीसी से रिलेटेड बहुत सी वीडियो लाते रहते हैं। अब गाइस, अगर आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एंटमैन एंड द वास्प मूवी एवेंजर्स 4 मूवी का किस तरह से सेटअप कर सकती है, तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, आपको जरूर पसंद आएगी। तो गाइस, मैं अंकित मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।